दर्शकों, आज जय हो इंडिया सच की आवाज न्यूज चैनल अपने टीम के साथ बुट्टीपुरी क्षेत्र के सुकड़ी बेलदार इस ग्राम में अपनी दस्तक दे चुकी है। इस भाव गांडे, इनके घर में करीब करीब 30 से 40 साल से गणपति का उत्सव, बड़े 10 दिन का जो उत्सव है, बड़े धूमधाम से होता है। और ये उत्सव को हम इस गणपति बाप्पा की जो कृपा इस परिवार के ऊपर है, हम जानना चाहते हैं श्री सुरेश भाऊ गांडे से कि इस गणपति बाप्पा की जो कृपा आप पे जो है, आप इसके चमत्कार क्या है, हम थोड़ा सा उनसे जानना चाहते हैं। सुरेश भाई, इस ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश भाव गांडे, हम इनसे एक चर्चा करेंगे इस गणपति उत्सव के। इनके घर में जो गणपति रखा गया है, इनके पिताजी के समय से ये गणपति यहाँ पे घर में रखते हैं, और इस बाप्पा की कृपा से सुरेश भाव गांडे के कुछ जुबानी हम कुछ सुनना चाहते हैं कि कुछ चमत्कार और इनके कार्य जो समाज में, जो इस गांव के लिए, इस परिसर के लिए और अपने समाज के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो हम जानना चाहते हैं सुरेश भाव गांडे से कि गांडे जी, आप ये सामाजिक कार्य इस गाँव के लिए, इस परिसर के लिए जो करते हो, आप में ऐसी क्या एक क्या बोलते हैं कि समाज के बारे में आपको ऐसी क्या सहानुभूति है कि आप गरीबों के लिए कुछ करने की आप में कुछ इच्छा है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे जय हो इंडिया न्यूज के माध्यम से? हमारा गांव इतना अच्छा बने, जो भवोपट्टी बैठी है हमारे गांव में, ऐसे लोग बोलते हैं कि आज नहीं कल उठ जाएंगे। तो हमारा भी यहाँ पे 21 से 22 मकान है पुराने वाले, तो ये पुराने मकान कैसे रहेंगे? तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये पूरे मकान बनना चाहिए और पक्के में बनना चाहिए है, इसीलिए हम झोपड़ी के लिए, पक्के के लिए हम ये लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये लोग रहेंगे तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो ये लोग नहीं रहेंगे तो हम बीस लोग क्या, 20 मकान लड़के क्या करेंगे, ऐसा हमारा भी उद्देश्य है। इस परिसर में जो झुग्गी झोपड़ी आज से 10 साल 15 साल 20 साल से जो बैठी हुई है, इस गांव के ओनली 15 से 20 मकान हैं, और जो बाहर से जो आए हुए लोग हैं इनमें काफ़ी दिक्कतें होती है। झोपड़पट्टी का जो प्रश्न है ये काफ़ी दिनों से है। जय हो इंडिया के माध्यम से हम सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इन गरीबों को रहने के लिए कुछ सहारा इन्हें मिले। गांडी जी प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस, PIG ऑफिस, मुंबई भी इनकी जाने की तैयारी है CM की तरफ। इन्होंने काफ़ी जगह एप्लीकेशन भी दिया है, और गरीबों के हित में किस तरह से कार्य हो ये उनकी भावनाएं हैं। हम आशा करते गांडे जी कि आप इस कार्य में सफल हो, उसी तरह इस ग्राम के एक होनार, तड़पदार ऐसे एक कार्यकर्ता CM भाव भगत, हम इनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे इस गांव की समस्या के बारे में। आज यहाँ हमारे जय हो इंडिया का हम स्वागत करते, इस माध्यम से हम जनता को और सरकार को बताना चाहते सच की आवाज़ की ओर से कि हमारे गांव में हमारे कुछ ग्रुप है जो हमारे गांडे ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है। आज दिन गणेश जी का है और उनके यहाँ बहुत ही लोगों का, श्रद्धालु लोगों का भोजन रखा गया है। परंपरागत से कुछ दिनों से गणेश जी रखते हैं, और हमारी लड़ाई यह है कि हम इस क्षेत्र में अपने जितने रोड हो सके और यहाँ के पट्टे हो सके, हमने कई राजकारणी लोगों से मिले लेकिन हमको उन्होंने खाली आश्वासन दिया है, लेकिन हमारे कुछ जो कार्यकर्ता है 10-15, सुधीर भाऊ ठाकरे है, हमारे नत्थू जी ठाकरे है, हमारे विनोद भाऊ इरखड़े है, चंद्रशेखर जी यादव है, विठल यादव है, गजू लाजुरकर है, प्रशांत निब्रड़ है और अन्य बहुत साथी है मेरे, उनके साथ में इस गांव को अंकुश मुंडे है, देवेंद्र जी भगत है, घनश्याम जी चौधरी है, और हमारे योजेंद्र जी तुरकर जो जय हो इंडिया टीम से हमारे जो भाई है, वो सदैव ही रात हो बे रात हो
हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है। और हमने कई राजकारणी लोगों को यहाँ अवगत कराया, और बीच में अभी हमने SDO से लेके तुम्हारे कलेक्टर से लेके और तहसीलदार से लेके और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनसे भी मुलाकात की। और हमारे इस क्षेत्र के आमदार हमारे समीर भाव मेघे, इनको भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमारे जो कुमाल जी तुमाने हैं, उनके लिए भी हमने यहाँ रोड के लिए भी एक मांग रखी है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। लेकिन हम इस आश्वासन से नहीं रहेंगे, और हमारी टीम ये जय हो इंडिया की ओर से बताना चाहती है कि हम तीव्र आंदोलन करेंगे, भव्य आंदोलन करेंगे, जहाँ तक भी जाना पड़े हम जेल रोको रोड रोको सब आंदोलन करने वाले हैं। और इस गांव को, इस क्षेत्र को, हम बहुत ही पहले गांव से क्षेत्र पे जाएंगे, लेकिन इस गांव को हर तरह से पानी बिजली रोड, इस उद्देश्य से हम चल रहे हैं। और हमारी टीम सदैव इस गांव के लिए कर्तव्य करने के लिए तैयार है। कई नेता यहां आश्वासन से आते हैं, हम कोई पार्टी को हम ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन अभी हम पार्टी न देखते हुए हम सामाजिक कार्य करने के लिए निकले हैं। हम भी कई पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन हम अभी पार्टी का नाम तो बताएंगे नहीं, लेकिन हम बताने का ये उद्देश्य है कि हम BJP में सम्मिलित हैं, लेकिन हम पार्टी को साइड में रखे हुए, क्योंकि सभी इस गांव में अलग अलग पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन पार्टी के उद्देश्य से नहीं, हम एक समाज सेवक के उद्देश्य से इस गांव का कार्य करने वाले हैं। और आज यहाँ जय हो इंडिया की टीम आई, वहाँ से अवगत कराना चाहते हैं उस देश तक, प्रधानमंत्री तक, कि हम सच की लड़ाई लड़ेंगे और इस गांव का जिस तरह से भी विकास हो सके उस तरह से हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद भगत जी, आपने इस गांव में क्या क्या समस्या है इसके बारे में अवगत कराया। हम आशा करते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं गरीबों के प्रति, हाँ जो समस्या है इस गांव के बारे में, जैसे कि पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, यहाँ के जो जितने भी यहाँ पे जो लोग रहते हैं, 95% लोग MIDC में काम करते हैं, इनकी शिफ्ट होती है 11 बजे से करीब करीब 12 बजे तक वो रोड से आते हैं, और वो रोड से लाइट न होना और कभी कोई हादसा हो जाए तो उस परिवार का क्या होगा, ये हम जान सकते हैं। तो हम इस काकड़गढ़ ग्राम पंचायत से भी हम इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस सुकड़ी बेलदार की और ध्यान दे, यहाँ की रोड, यहाँ का पानी पीने की समस्या आज भी बरकरार है। यहाँ पे महीना दो महीने 15-15 दिन के बाद में नल आता है, पीने की पानी की बहुत ही दिक्कत है। अब हर इंसान 6,000 से 10,000 कमाने वाला एक कामगार अपने घर में फिल्टर मशीन नहीं लगा सकता। तो मैं इस जय हो इंडिया के माध्यम से, मैं टाकाड़गढ़ ग्राम पंचायत से मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे एक फिल्टर मशीन लगाया जाए और गरीबों को एक शुद्ध पानी पीने के लिए मिले और वो निरोगी रहे। गांव में नहीं, गणेशपुर है, टाकाड़घाट है, गांवडी जो परिवार है यहाँ पे, ये काफ़ी परिचित व्यक्तित्व अपने आप में है, उनका अच्छा एक नाम है। हम इनके बाड़े में देखते कि विशेषता इस बाड़े की क्या है। आज भी इस गणेश जी की महिमा क्या कहना है, हम सुरेश बहू के जुबानी सुन चुके हैं। हम आशा करते हैं कि बाप्पा सभी इस ग्रामवासियों को, दीन दुखियों को, इस परिवार को और इनके मित्र मंडली को एक आशीर्वाद दे। बोलो गणपति बाप्पा की जय, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सुरेश भाव गांडे इनके निवास में आज पूरे गांव का भोजन एक दान रखा है, और इसी साल ने हर साल यहाँ पे भोजन रखते हैं, और सुरुचि भोज अभी अभी सभी लोग ले रहे हैं। और मैं कैमरामैन सचिन के साथ जो यहाँ पे टीम के बुटीबुरी में जो परिसर सुकड़ी बेलदार में जो आई है, मैं बाकी जो सेवा आप जो करते हो, तो कोई भी कार्य करने के लिए महीना दो महीना 15 दिन ये स्वाभाविक है। तो आप ये बाप्पा की जो सेवा, जो आपके पिताजी के समय से बाप्पा को यहाँ पे रखे हो, और स्वाभाविक है कि आपको
इस बप्पा के आगमन के लिए एक उत्साह नजर आता होगा और एक अपने आप में एक ऊर्जा निर्माण होती होंगी और बप्पा की शक्ति तो आपके साथ है ही। तो मैं ये आपसे जानकारी और एक आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ गावंडे जी, कि आप ये बप्पा की 10 दिन में सेवा किस तरह से करते हैं? कुछ नहीं, ऐसा अपने घर में जो अपन गणेश जी मानते हैं ऐसा लगता है अपने को, क्या नहीं अपन 10 दिन नहीं इनको 15 दिन लगन रखना चाहिए। जो मन में रहता है वो तो अपने को करना पड़ता है, लेकिन अपन हर साल इसकी पूजा करते 10 दिन और लोगों को अपन अच्छा खाना खिलाते। क्या ऐसा लगता है कि अपने को ये पूरे लोग अपने गांव के जो है अपने है रिश्तेदार है पूरे, ऐसा अपने को लगता है, इसीलिए अपन सबको बुला के खाना खिलाते। अच्छी भावना है आपकी गावंडे जी, और ये भावनाएं आपकी ऐसी बरकरार रहे समाज के प्रति, गांव के प्रति, और बप्पा आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे और आप सामाजिक जो काम कर रहे हैं इसमें आपकी उन्नति हो और आने वाले दिनों में समाज सेवक का जो आपने बीड़ा उठाया है आप इसमें सफल हो। हम गणपति बप्पा के चरणों में आपके इस शब्दों को हम रख रहे हैं और आप सफल हो गए हम ऐसी आशा करते हुए। टीम आज सुखी बेलदार टीपुरी के एमआईडीसी परिसर में अपनी टीम के साथ आई है। हम कुछ जानकारियां लेने आए हैं। योगा योग सुरेश भोग गांडे के घर का जो गणपति का 9वें दिन का जो खाना था, हम सबको इस गांव के लोगों को आज जो प्रसाद के माध्यम से मिला उसी को आज एक सामाजिक कार्य के तौर पे जो सुरेश भाव गावंडे जो कार्य करते हैं, सुरेश भाव गावंडे को कहीं ना कहीं किसी अच्छे व्यक्तित्व का समर्थन की वजह से वो कार्य कर रहे हैं। इस गांव के बगल में एक शिव तीर्थ एक कॉलोनी का एक निर्माण हो रहा है। हम उनके संस्थापक सिंधे सर से हम कुछ जानकारियां लेंगे। वो भी एक सामाजिक भले ही वो बिल्डर है लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व उनमें बरकरार है। पैसा कमाना, बिल्डर हो जाना, बड़ा आदमी हो जाना ये एक अलग विषय है, अलग एक पार्ट है, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी एक व्यक्तित्व के कर्मठ धनवान श्री शिंदे सर, हम इनसे चर्चा करते हैं कि आप इस गांव के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। शिंदे सर आपसे जानकारी लेता हूँ कि इस सुखड़ी ग्राम के लिए आप क्या योगदान देना चाहते हैं, आप क्या इस गांव के लिए सामाजिक कार्य करना चाहते हैं? सर्वप्रथम जो गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव का जो यहाँ आयोजन किया जा रहा है इसका सुखड़ी ग्रामवासियों को और विशेषतः सुरेश भाव गावंडे को मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और गांव के साथ हम लोग काम करने की जो इच्छा रखते हैं उसके साथ, तो जैसे आपने पूछा कि इस गांव के लिए हम क्या योगदान देना चाहते हैं, इसके गांव के बगल में ही शिवतीर्थ नाम का एक बड़ा परिसर का निर्माण हो रहा है। सुरेश भाव गावंडे और हमने गाँव को जो अभी एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, आज घूम के आना पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर, हमने इस साल 2 साल 3 साल से काम करके इस साल एक बजट में ये पूरा गांव जो रास्ता है वो रास्ता डाला हुआ है और दिवाली तक ये रास्ता हो जाएगा, यानी 900 मीटर में ये गांव मेन रोड से यहां तक आ जाएगा। साथ साथ हम यहां दुर्बल जो बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के लिए यहां हमने हमारे स्कीम में जगह दी है, तो जितने भी विकलांग बच्चे होंगे उस विकलांग बच्चों के लिए यहाँ रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और एक ऐसा हॉस्टल अभी बुटीबुरी परिसर में नहीं है विकलांग बच्चों का, वो यहाँ हो रहा है जो मतिमंद जिसको हम बोलते हैं उस प्रकार से। और साथ साथ हम एक स्कूल का भी निर्माण यहाँ करने वाले हैं जिसमें गाँव के बच्चों को विशेष प्राधान्य दिया जाएगा। महिलाओं जो है जो एजुकेशन दे सकती है, जो बालवाड़ी में के जीवन में या प्राथमिक शिक्षा में काम कर सकती है, उन महिलाओं को भी वहाँ रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार से एक बड़ी योजना हम इस साथ कर रहे हैं और सुरेश भाव से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा निर्माण यहाँ हो और साथ साथ गांव का भी विकास हो, ये पानी, पानी। योजना
हम लोग कर रहे हैं। हमने जैसे पानी के बारे में भी जो देसाई साहब है उनके साथ पहल की थी, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, और हम वहाँ भी प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ जो एक बड़ी लाइन जा रही है रास्ते के बाजू से, वहाँ से अगर यहाँ हमको एक नल का एक कनेक्शन मिलता है तो उसका फोर्स भी हैवी रहेगा और गांव वालों को 24 घंटा पानी मिलेगा। ये भी हम इसके साथ प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ता और पानी ये हमारे विशेष प्रयत्न है। रास्ते का निर्माण दिवाली तक होने की आकांक्षा है। अभी बजट में DPDC का जो बजट अभी पास हुआ है उसमें ये बजट में रास्ते का तो निर्माण उन्होंने करने का लिया है। थैंक यू सिंधे सर, आपने इस गांव का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि इंजन का आने का जो प्रॉब्लम था, 6 किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है। अगर वो नाले के पास अगर एक इन्होंने जो सिंधे साहब के कहने के मुताबिक अगर वहाँ से पुलिया का निर्माण अगर होता है तो स्वाभाविक है कि वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ओनली 1 किलोमीटर पर आ जाएगा और इस ग्राम के सभी गाँव भाइयों को, भाई बहनों को और विद्यार्थियों को एक सुविधा हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक बताया कि विकलांग जो बच्चे हैं इनके लिए एक विकलांग विद्यालय की भी उन्होंने एक सोचा है और एक स्कूल के बारे में सोचा है। ये बहुत ही सराहनीय सिंधे सर आपके जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। जय हिंद इंडिया के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक आप बधाई के पात्र हो और अगर ये कार्य होता है तो हम जय हो इंडिया की टीम आपके सत्कार के लिए यहाँ और एक बार हम आएंगे, आपका सत्कार हम करेंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम बताया कि अगर नल का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं भी काफ़ी दिनों से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो गंदा पानी जो आता है कंपनी का वही पानी यहाँ पे पीने के लिए मजबूर होते कुछ ग्रामवासी, तो वो बीमार भी पड़ जाते हैं। तो अगर वो पाइपलाइन अगर जा रही है और पाइपलाइन से अगर एक पाइप अगर यहाँ छोड़ती है इस गांव के लिए तो काफ़ी सुविधा हो जाएंगी इस गांव के लिए, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बूढ़ों के लिए। बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, यहाँ पे हैंडपम्प की भी कमियाँ हैं। मैं टाकड़गढ़ ग्राम पंचायत, यहाँ के जो कर्मचारी है, सरपंच, जितने भी कर्मचारी हैं उनसे इस चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराऊँगा कि वो सारी समस्या वो थोड़ा इस गांव की तरफ ध्यान दें। थैंक यू सिंधे सर, आपके कार्य बहुत ही सराहनीय है और ये कार्य अगर होते हैं सर तो हम जय हो इंडिया की टीम आपके सत्कार के लिए यहाँ जरूर आएंगे। उसी तरह एक अच्छे व्यक्तित्व के जनी जय जवान जय किसान के सचिव श्री ओनीकर सर, वनकर सर, ये भी हमें यहाँ पे एक इस गांडे सर के कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुई है। तो चलो हम इनसे भी कोई जानकारी लेते कि इनके इस गांव के लिए कुछ कार्य, ये अपना कुछ कार्य दे सकते हैं और आप ये गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। फोन कर सर, आप इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूछना चाहते हैं सर कि जैसे सिंधे सर ने बताया कि मेरी तन मन धन से इस गाँव के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और उन्हें अवगत भी कराया कि मुझे क्या क्या करना है। कौन कर सर कि आप भी सिंधे साहब के लाइन से यानी आप उनकी उन्हीं की तरह से आप कुछ सर गांव के लिए कुछ देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो सुरेश भाव गावंडे तथा सुखड़ी ग्रामवासियों को इस गणेश फेस्टिवल के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। निस्संदेह कि नागपुर का ये जो सुखड़ी ग्राम है बिदपुरी से लगा, अब ये पूरा मेट्रो रीजन में होने जा रहा है। 9 तालुका के 721 गाँव ये मेट्रो रीजन में आते हैं और सुखड़ी बेलदार भी उसमें आ रहा है। जहाँ तक हमारे यहाँ विकास की जो परिकल्पना है तो उसमें स्मार्ट विकास के नाम पर बड़ी कंपनी को तरजीह दे रहा है और छोटे गांवों को, ग्रामवासियों को, किसानों को उससे बेदखल करना, उनका शोषण करना, ये नए विकास की संकल्पना है। ग्लोबलाइजेशन में हमको पूरे दुनिया में दिख रहा, भारत में दिख रहा। जय जवान जय किसान संगठन ने किसानों के हित की सुरक्षा के लिए ये मेट्रो रीजन में किसानों का कोई अहित न हो और विकास की परिकल्पना है, ये किसानों के विकास के साथ जुड़ी रहे, श्रमिक लोगों के साथ जुड़ी रहे, इस संकल्पना को लेकर काम किया है और हमारा लगातार संघर्ष जारी है। तो इसलिए हमने इस विकास की प्रक्रिया में मेट्रो रीजन की बहुत से काम किए हैं। हमारा विश्वास है
कि सुरेश भाऊ गावंडे जैसे कार्यकर्ता हमारे जय जवान जय किसान से जुड़े हुए हैं, गांव के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से आंदोलन में यहाँ के लोग शरीक भी हुए हैं, तो हम इस गांव के विकास के लिए मेट्रो रिजान के विकास के अंतर्गत हमारे नागपुर MARDE जो कंपनी है उसके चेयरमैन डॉक्टर महेश कर रहे डॉक्टर दिलीप महेश कर रहे इनसे क्या योजनाएं सुखड़ी गाँववासी के लिए जरूरी है वो सब खिंच के लाएंगे। मैं फिर से गाँववासी अपील करूंगा कि वो जय जवान जय किसान को वो साथ दे, यही निवेदन। धन्यवाद पोनकर सर, आपने बहुत अच्छी बातें बोले कि जो मेट्रो रीजन में जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य इस क्षेत्र में लाने की आप सोच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और सुरेश भाऊ गावंडे को आप दो रत्न प्राप्त हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि सुरेश भाऊ आप कहीं रुकने वाले नहीं है, आप आगे बढ़ोगे। मैं देख रहा हूँ सुरेश भाऊ गावंडे ने अभी एक ताना पोला यहाँ पे का आयोजन किया था, यहाँ पे PSI DGI बुटीबुरी पुलिस स्टेशन के PSI श्री चांदेवर सर, MIDC टेमरी के जो PSI श्री जीते सर, काफ़ी बड़ा इन्होंने आयोजन किया था, बड़े पोले का छोटे पोले का बहुत ही अच्छा आयोजन किया था। और उनकी जो टीम है सुरेश भाऊ की, जो उनके हम CM भाऊ भगत चंद्रशेखर यादव जी, विनोद विरखड़े जी, सुधीर भाऊ ठाकरे और श्री विठल जी यादव, ये इनके जो नवरत्न हैं, ये नवरत्न सुरेश भाऊ के बहुत बड़े हथियार हैं और इनके कार्य दूर दूर तक अच्छे काम करते हैं। और सुरेश भाऊ आप आने वाले दिनों में एक अच्छा गांव का अच्छा एक गांव का एक उद्धार करो, गांव को आगे लेके जाओ, आपको कोई नहीं लेके पीछे ला सकता। सुरेश भाऊ मैं इसी आशय के साथ इस गणपति बाप्पा के चरणों में आपके इन शब्दों को रखते हुए आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बनोगे और जनता की सेवा करोगे। मैं जय हो इंडिया टीम की ओर से इस गावंडे परिवार को और आपके मित्र मंडली को शुभेच्छा देता हूँ। कैमरामैन सचिन, संवाददाता विजेंद्र तुरकर, जय हो इंडिया, सच की आवाज़, देखते रहिए। धन्यवाद सर।